कुलभूषण जाधव को जो फांसी की सजा पाकिस्तान में दी गई है उसको लेकर पूरे सदन ने केवल चिंता ही व्यक्त नहीं की है बल्कि पूरे सदन ने आक्रोश व्यक्त किया है। फांसी दिए जाने का जो फैसला लिया गया है उसको लेकर सदन ही नहीं बल्कि सारा देश अध्यक्ष महोदया उससे चिंतित है। जहां तक कुलभूषण जाधव का प्रश्न है, जैसा सभी सम्मानित सदस्यों ने बताया कि वह इंडियन नेवी के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं और उसके बाद चाबहार ईरान में वो एक छोटा मोटा बिजनेस करते थे और स्थानीय ईरानी सिटीजन उनका वह पार्टनर भी था और उस बिजनेस के सिलसिले में ही वो तेहरान और चाबहार अक्सर आया जाया करते थे। मार्च 2016 में अध्यक्ष महोदया पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा उन्हें किडनैप कर लिया गया है और उसे पाकिस्तान मीडिया के समक्ष भारतीय एजेंसीज के स्पाई के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया गया। पाकिस्तानी मीडिया को ब्रीफ करते समय पाकिस्तान की अथॉरिटी ने ही अध्यक्ष महोदया या कुलभूषण जाधव के संबंध में यह कहा है कि कुलभूषण जाधव के पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट मिला। अब यह बात समझ में नहीं आती, कुलभूषण जाधव के पास यदि वैलिड इंडियन पासपोर्ट मिला है तो स्पाई कैसे हो सकता है, यह बात समझ में नहीं आती है। लेकिन फिर भी कुलभूषण जाधव का स्पाई होना तो मैं मानता हूं कि जब उनके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट था तो इसका प्रश्न ही नहीं खड़ा होता और यह पाकिस्तान के एक्शन को यह सीधे एक्सपोज करता है। भारतीय हाई कमीशन ने बार बार पाकिस्तान से भी अनुरोध किया था कि हमको काउंसलर एक्सेस दिया जाना चाहिए, लेकिन बार बार भारतीय हाई कमीशन के द्वारा जो है अनुरोध किए जाने के बावजूद काउंसलर एक्सेस जो दी जानी चाहिए थी वह काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई है और भारत पाकिस्तान द्वारा बगैर काउंसलर एक्सेस के इस सेंटेंस को मैं स्ट्रांगली कहना चाहता हूं कि यह जो फांसी की सजा जो सुनाई गई है अध्यक्ष महोदया भारत सरकार उसे स्ट्रांगली कंडेम करती है। और मैं यह भी सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं जो लॉ एंड जस्टिस के बेसिक नॉर्म्स होते हैं उसको बिना ध्यान में रखे यह फांसी की सजा उन्हें सुना दी गई है कुलभूषण जाधव को। और सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी और कुलभूषण जाधव के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष महोदया इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर इस संबंध में जो डिटेल्ड जानकारी 12 बजे के बाद हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी आएंगी और इस संबंध में वो विस्तृत जानकारी देंगे।